بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। क्रॉनिक का मतलब होता है पुरानी, दायमी, और फटीग का मतलब होता है थकावट। ऐसी थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा जिस्म दर्द जो हमें तकरीबन 3 से 9 महीने तक रहे। कुछ केसेस में 3 महीने भी है, कुछ में 6 भी है, कुछ में 9 महीने भी है। तो वो थकावट जो है तो वो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब दोस्तों इस बीमारी में होता क्या है, मैं आपको इसके पहले सिम्टम्स बताता हूँ। इसके सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट, और ये 24 घंटे थकावट रहना, मतलब आप सो भी गए हैं, सो के उठे भी हैं, उठने को दिल ना करना, अगर आप उठ भी गए हैं तो फिर भी थके थके रहना। नंबर 2, याददाश्त में कमी, ऐसे लगना कि जैसे मैं बुलक्खड़ हो गया हूँ, मुझे कोई चीज़ याद ही नहीं रहती। नंबर 3, गले में सोजिश का रहना, गले में दर्द का रहना, जिस्म दर्द रहना, पूरा दिन जिस्म दर्द रहना, मसल्स पेन रहना, बोन पेन्स रहना सारा दिन, इंसान की कमर में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, बे इंतहा सर में दर्द रहना, 24 घंटे थकावट रहना, और उस थकावट की वजह से किसी काम करने की ताकत ना होना, एनर्जी ना होना, किसी काम में दिल ना लगना, हर टाइम बस एक ही कोशिश होना कि कुछ भी हो मैं बस बिस्तर पे चली जाऊं, बिस्तर पे चला जाऊं और कुछ ना मैं करूं। अब इस सब में इंसान का खाना पीना डिस्टर्ब होना, उसे भूख ना लगना, अगर खाना खा रहा है तो वो खाने का ठीक से डाइजेस्ट ना होना, दिल मतली होना, ऊपर आना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये होता क्यों है, इसके होने की रीजंस क्या हो सकती हैं। देखिए क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की सबसे बड़ी जो वजह होती है वो इम्यून सिस्टम है। वो जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है तो ये प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली स्टडीज़ ये कहती हैं कि 45 से लेके 65 साल तक के लोगों को ये ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं, आजकल के लोग, आजकल की यंग जनरेशन less than 35 भी इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रही है। जो लोग ज़्यादा मेडिसन का इस्तेमाल करते हैं, उल्टी सीधी एंटीबायोटिक्स खाते हैं, उनकी वजह से जाकर उनका जो इम्यून सिस्टम है, जो उनकी कुव्वत मदाफियत है, वो कम से कम होती जाती है। उसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, इंसान का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली नेचर होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ज़रा ज़रा बात पे अपने ऊपर उस चीज़ को हावी कर लेने वाला इंसान। इसके अलावा ऐसे इंसान जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं बचपन से, लेकिन जैसे वो लड़कपन में आते हैं, जवानी में आते हैं, कोई ट्रोमा उनके साथ गुजरता है, उस ट्रोमा की वजह से ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होने के उनको काफ़ी चांस होते हैं। जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जब उनका कोई लव वन उनसे दूर हो जाता है, उनकी मोहब्बत उनसे जुदा हो जाती है, या उनकी तलाक हो जाती है, या कोई मंगनी का रिलेशन था वो टूट जाता है, तो भी वो इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। पहली तो चीज़ ये, मैं किसी भी अपनी वीडियो में आपको गोली सिस्टम की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। मेरा मानना है, मेरा ये कहना है, मेरा ये समझना है, मेरा ये सोचना है, मैंने जो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है, जो मेरा नॉलेज है, वो मुझे एक ही चीज़ कहता है कि अगर आप अपनी विल पावर यूज़ करें, अपने अल्लाह के साथ जुड़ जाएँ, नमाज कायम कर लें, कुरान की पाबंदी से तलावत शुरू कर दें, अपने अल्लाह से हेल्प मांगे, तो आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। मैं आज भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ और इंशाल्लाह मैं रहूँगा, मैं प्रूव भी करूँगा। मेरे चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह लातादाद लोग विदाउट मेडिसिन इस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं और मेरी कोचिंग की मदद से भी निकल रहे हैं। क्योंकि साइकोलॉजी एक लैटिन वर्ड है जिसकी पुरानी डेफिनेशन थी स्टडी ऑफ सोल। तो सोल का मतलब क्या होता है, इंसान की रूह। और रूह क्या चीज़ होती है और रूह का सुकून कहाँ है और रूह किस चीज़ से सुकून हासिल करती है, लोगों का मानना है मौसीकी से। बिलीव मी, आप 24 घंटे भी म्यूज़िक सुन के देख लें, आपको फिर भी एंजाइटी और डिप्रेशन रहेगा, लेकिन अगर आप 24 घंटे तलावत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, तो ये आपकी रूह ठंडी हो जाएगी। क्योंकि इसकी जो गज़ा है वो मौसीकी नहीं है, इसकी गज़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र है, उसके रसूल का जिक्र है। इसके अलावा दोस्तों अपने खाने पीने की एक रूटीन रखें, खाने पीने की रूटीन, अब जो खाएं उसको डाइजेस्ट करें, भूख लगी है नहीं लगी है, अगर नहीं लगी थोड़ा खा लें, लेकिन आपने एक खाने पीने की रूटीन रखनी है। प्रॉपर वॉक की रूटीन रखें,
सुबह भी शाम भी रूटीन रखे कि मैंने वॉक करनी है, नहीं उठा जा रहा मैंने फिर भी उठना है, मुझे उठना है अपने आप के लिए, अपने अल्लाह के लिए, अपने साथ जुड़े रिश्तेदारों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, मुझे करना है, मुझे अपने लिए नहीं करना, मुझे उन लोगों के लिए करना है। मेरी मोटिवेशन वो लोग हैं। रात का खाना जल्दी खाने की आदत बनाए, जल्दी सोने की आदत बनाए, हर खाने के बाद वॉक की आदत बनाए। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन की कमी की वजह से इंसान मेंटल इलनेस में आता है। जैसे ही उसकी मोटिवेशन, जैसे ही उसको मोटिवेशन मिलती है, वो इस मेंटल इलनेस से बाहर निकल के चला जाता है। वो मोटिवेशन किसी भी सूरत में हो सकती है। वो कोई आपका करीबी रिलेटिव होता है, वो कोई आपके माँ बाप में से कर सकता है, कोई बहन भाइयों में से कर सकता है। इवन हम प्राइवेट कोचिंग में क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, शाबाश तुम कर सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आपको बार बार कहते रहते हैं, यार तुम कर सकते हो, तुम्हें परेशानी आती है फौरन तुम हमें मैसेज करते हो कि सर मैं इधर स्टक हो गया हूँ, मेरी हेल्प करें, आपको बताया जाता है कम ऑन उठो जाओ करो। दिस इज कोचिंग। कोचिंग और क्या है, आपका हाथ पकड़ के आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता है। तो वीडियो का अहतमाम यही करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।